अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीर अली अल कबीर गोट फार्म से। आज का टॉपिक है बकरी हीट पे है या फेक आउट है, ये हम कैसे जाने। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट ऐसी ऐसी वीडियो जब भी आए आपको इसकी अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक देखें मेरे भाई, ठीक है। अराउंड हम लोग 10 पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बकरी हीट पे है या फेक आउट में हम कैसे जाने। सबसे बड़ा पॉइंट जो है, पहला पॉइंट जो आता है नंबर वन, वो ये होता है कि बकरी हीट पे जब भी आएगी अपना दुम हिलाएगी, टेल वैक करेगी, ठीक है। टेल खड़ा रहेगा उसका, वैक करेगी ऐसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बकरी बार बार पेशाब करेगी, ठीक है। आप देखोगे, नोटिस करोगे, जैसे आपकी बकरी जो है दिन भर में 4-5 करती थी, वो देखिएगा 15 मिनट, 20 मिनट या 1-1 घंटे में बार बार पेशाब करी। कई बार तो ऐसा है पेशाब करने की कोशिश कर रही है, यूरिन कर रही है, ठीक है, कुछ बूंद आ रहा है बस, क्योंकि पानी तो उसके बदन में है नहीं, लेकिन उसको इरिटेशन होगा, वो बार बार यूरिन करेगी, वो हीट की निशानी है, ठीक है। तीसरी पॉइंट में आ जाए, तीसरी पॉइंट में क्या होगा कि बकरी जो है बहुत आवाज़ करेगी, चिल्लाएगी, अगर आसपास बकरे होंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगी। तो कई लोग जो बंगाली में हम लोग कहते हैं डाक पे आइए, ठीक है, ये है वह तीसरा पॉइंट। अब आ जाए चौथा पॉइंट जो होता है कि बकरी आपके अगर बाड़े में जो सिर्फ बकरी है, तो कई बार बकरी क्या करेगी ना कि बकरों जैसा बिहेव करेगी, वो दूसरी बकरी पे क्लाइम करेगी, ठीक है। ये होगा आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या होगा कि बकरी गोल गोल घूमेगी, परेशान रहेगी, जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है, वो आप बिहेवियर नोटिस करेंगे ना, वैसा बिहेवियर नहीं है, थोड़ा वो अटपटा सी लग रही है। और उसके बाद क्या होगा छठा पॉइंट, अब यूरिन जो वो करेगी, आप नोटिस करेंगे कि यूरिन जो नॉर्मल उसके जितने स्मेल, ऐसे तो सारी यूरिन में आपका पेशाब में जो है स्मेल होता है, लेकिन उस वक्त थोड़ा स्मेल खराब रहेगा और ज़्यादा रहेगा और एसिडिक पेशाब होगा जहाँ पेशाब करेगी। तो ऐसे तो आप देखते हैं, हम नोटिस किए होंगे आपने, लेकिन इसमें देखेंगे थोड़ा एसिडिक ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में आ जाइए, खाना वो कम कर देगी। आप नोटिस करेंगे जितना खाना अनाज खा रही थी वो उस हिसाब से कम खा रही है। कई बकरी ऐसा नहीं है कि कई बकरी क्या होता है ज़्यादा खाती है, क्योंकि ज़्यादा पीती भी है, क्योंकि वो जो यूरिन कर रही है। तो अलग अलग बकरी में अलग अलग आपको सिम्टम्स दिखेंगे। तो मैंने ये सारा पॉइंट बता दिया है, तो सो क्या होगा कि आप किसी की बकरी कुछ, सबका तो बिहेवियर अलग अलग होता है, किसी में कुछ दिखे किसी में कुछ दिखेगा। तो हमने ये 7 पॉइंट बताया। 8वां पॉइंट क्या होगा कि अगर आपकी बकरी पुरानी बकरी है, जैसे ऑलरेडी बकरी एक बार एक बयान बच्चा दे चुकी है, 2 बयान दे चुकी है, तो उसका दूध कम होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखेगा, तो जो कि और जो बकरी जो आपके समझ लीजिए कभी बच्चा नहीं दी है, तो उसका तो दूध वाला कोई बात ही नहीं है, उसमें आप ये जो बाकी का जो हमने अभी अब तक जो 7 पॉइंट बताए वो पॉइंट में से आपको ये पॉइंट देख लें, ये सब उनमें भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई कि सारे के सारे जो जो मैंने लक्षण बताया है या सिम्टम बताया है सारे सब में होंगे, किसी में कुछ किसी में कुछ। अब आ जाए पॉइंट नंबर 9 क्या होगा कि कुछ बकरी होती है साइलेंट बकरी होती है, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आता, वो जैसा खा रही है, ठीक है, पेशाब वगैरह का भी उसको हल्का फुल्का आप नोटिस नहीं कर पाएंगे, उसको आप कैसे जाने। ये सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी जो होती है आपकी साइलेंट वाली हीट में होती है। साइलेंट हीट में क्या करना है, आपको दुम के पास आप देखेंगे उठाकर, उसके पीछे जो है आपके स्टिकी सब्सटेंस जैसा होता है ना, यूरिन जब वो करेगी उसके बाद से आप देखेंगे वहाँ चटचटा स्टिकी जो है जेल टाइप का सब्सटेंस देखेंगे, इट मीन्स वो हीट पे है, ठीक है। उसको आप क्या करेंगे, एक दिन छोड़ देंगे, नेक्स्ट दिन उसको इंशाल्लाह ताला आप ब्रीडिंग के लिए ले जाएंगे। 10वां पॉइंट क्या है कि आप तब भी स्टिकी भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपके आसपास अगर कि कहीं पे जैसे आप, तो अगर आपके पास ब्रीडर है तो वेल एंड गुड, ब्रीडर भी बिहेव करेगा, उसके सामने अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ब्रीडर नहीं है लेकिन आपको कहीं दूर लेकर जाना पड़ता है ब्रीडिंग के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ कपड़ा या कोई भी सामान जो है ना बकरे के ऊपर आप जो उसके ऊपर रब करके, या जो उसका यूरिन वगैरह है वो आप अगर लेकर आते हैं, या ये सब नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग इसको ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, तो वो क्या होता है कि आप अगर उसकी स्मेल, बकरा का मतलब मेन पॉइंट क्या है कि बकरे के स्मेल अगर आप कहीं से लेकर आएँ या उसके ऊपर ये करके, तो बकरी काफ़ी एक्साइटेड हो जाएगी और वो जो है आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। तो ये 10 आपका लास्ट पॉइंट है। तो ये 10 पॉइंट मैंने बताया है, इनमें से कोई भी पॉइंट किसी में 3-4 भी आप देखेंगे मैच हो रहा है, किसी में 2 भी मैच हो रहा है, तो इनमें से कोई भी आपका सिम्टम आता है तो बकरी हीट पे है। अब फेक आउट में आ जाइए, क्या कई बार क्या होता है ना, बकरी आपका पिछली बार बच्चे दी है, उसके बाद जब भी हम लोग का एक हीट में आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार जैसा आज का जो भी हीट पे आई इसको हम लोग नोटिस कर लिए, हम उसको नहीं कराते उसमें गावन, वो कभी कभी फेक आउट होता है, आप करा कर तो आ गए लेकिन वो रहेगा नहीं। तो उस पर क्या करना है, आपको मशवरा यही देंगे हमेशा, आप जब भी ब्रीड करवाएं, आज जैसे हीट पे आई आपने नोटिस किया, तो उसके बाद फिर वो 17 से 21 दिन या 24 दिन के अंदर फिर से हीट पे आएगी, तो आप नेक्स्ट वाले हीट में
पहला हमेशा छोड़ दिया करें, नेक्स्ट जब हीट आएगी, जैसे आपके अगर पहली भी आएंगी बकरी, जैसे बकरी ने बच्चा नहीं दिया तब भी आप पहली बार अगर नोटिस कर रहे हैं कि बकरी हीट पे आई है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला छोड़ के उसका कैलेंडर में मार्क कर लें, 17 से 21 दिन या 24 दिन के अंदर फिर से वो हीट पे आएगी, तब उसको आप ब्रीड करा दें, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और वो रह जाएगा, वो मिस होने वाली बात नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।